हेलो फ्रेंड्स, मनोज कुमार जी के जेएस स्टडी केंद्र के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग सगीर अहमद का टाइम जो प्रतियोगिता अंगणित अंक गणित नेट, इसमें आज शुरू किए हैं प्रतिशत चैप्टर से शुरू किया है। इसको एक एक करके सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसमें तो देखते हैं, इसमें पहला क्वेश्चन है पच्चीस प्रतिशत का पच्चीस प्रतिशत कितना होगा। तो इसमें है क्वेश्चन है 25% का 25% कितना होगा। तो इसमें करना क्या है हमको, 25% के बदले में नीचे में 100 देते हैं, का के मतलब गुना होता है, फिर 25% के बदले में नीचे में 100 देते हैं। अब क्या करेंगे, 25 में 25 से गुना करेंगे तो 25 में 25 6 625, और इसके बाद 100 में 100 से गुना करेंगे तो 1 पर 4 0 हो जाएगा, 4 0। और भाग करेंगे, 625 में हम 10,000 से भाग करेंगे, तो इस 5 के बदले में इस 0 के बदले में इस 5 को लिखेंगे, फिर इस 0 के बदले में इस 2 को लिखेंगे, इस 0 के बदले में 6 को लिखेंगे, और इस 0 के बदले में कुछ नहीं तो 0 लिखेंगे, और एक नीच का 1 के बदले में पॉइंट लिख करके पहले 0 बैठा देंगे। तो इसका आंसर यही हो जाएगा, 0.0625 हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा 0.00 0.0625 आंसर हो जाएगा, ये वाला आंसर हो जाएगा। अगला सेकेंड क्वेश्चन है, 300 का 25% का 20% कितना होगा। तो इसमें लिखेंगे क्या, 300 का मतलब गुना 25, प्रतिशत के बदला में नीचे में 100, फिर का मतलब गुना 20, अब प्रतिशत के बदले में 100, और इसको जो कटने वाला हो काट देंगे। इसको जैसे कटेगा, ये 100 से 300 को काटेंगे तो 3 यहाँ हो जाएगा, और 25 से इसको काटेंगे 4 मतलब कट गया, 25 चौका 100 हो गया, 4 से हम 20 को काटेंगे, 4 5 20 हो जाएगा, और बचा क्या, 3 अगुने 5, तब 3 5 15 15 हुआ, तो इसका आंसर 4 नंबर में हो जाएगा, 15 इसका आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है व्हाट मतलब कितना का 11.5% 46 होगा। तो हम लिख लेंगे एक्स का मतलब गुना, और 11.5 को हम तोड़ेंगे पूर्णांक में, तो 11 दूना 22 और 21 23 बटा 2 अब प्रतिशत के बदला में नीचे में 100 कर देंगे, बराबर 46 होगा। अब क्या है, इसको क्या करेंगे, एक्स में 23 से गुना करेंगे तो 23x हो जाएगा, अब बट्टे में 100 में 2 से गुना करेंगे तो 200 हो जाएगा, बराबर 46 है, बट्टे में 1 कर देंगे। यहाँ ऊपर बराबर में ऊपर से ऊपर करता है और नीचे से नीचे करता है, जैसे 46 को काटेंगे हम 23 से, 46 को 23 से काटेंगे तो 23 दूना 46 2 हो गया। अब यहाँ क्या बचा, ऊपर में एक्स बचा, नीचे में 200 बचा, ऊपर में 2 यहाँ बराबर के इधर ऊपर 2 बचा, नीचे में 1 बचा। तो इसको क्या करेंगे, इसको हम करेंगे यहाँ पर एक्स बट्टा 200 बराबर 2 बट्टा 1, और क्रॉस गुना करेंगे इससे 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 इसको करेंगे, तो एक्स में एक्स से गुना करेंगे तो एक्स हो जाएगा, और 200 में 2 से गुना करेंगे तो 400 हो जाएगा, यानी 400। तो व्हाट के जगह पर एक्स माने हैं, एक्स बराबर कितना है 400,
तो इसका आंसर हो जाएगा 400, इसका आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, अगला है चार नंबर क्वेश्चन है कि 30 किलोग्राम का 10% कितना किलोग्राम का 40% के बराबर होगा। तो वही लिखेंगे 30 केजी का माने गुना 10% के बदला में नीचे में 100 लिखेंगे, बराबर है एक्स करेंगे, बराबर एक्स का मतलब एक्स केजी यहाँ लिखेंगे, का मतलब गुना और 40 अब बट्टे में प्रतिशत के बदले में नीचे में 100 लिखते हैं। अब क्या करेंगे, इसको काटेंगे, इसको एक जीरो से एक जीरो कट गया, अब इस जीरो से इस जीरो कट गया, अब क्या ऊपर 3 केजी बचा, 3 केजी बचा और नीचे में 3 केजी बचा, अब बराबर एक्स में इस जीरो से एक जीरो काट देंगे, इसको यहाँ कटेगा 2 दूना 4 और यहाँ 5 दूना 10, तो एक्स में 2 से गुना करेंगे तो 2x हो जाएगा और बट्टे में 5 हो जाएगा। 3 केजी यहाँ भी केजी लगा देंगे, तो यहाँ हम केजी से केजी काट देंगे, केजी इधर भी है केजी इधर है, केजी से केजी कट गया, अब बचा गया 3/1, 3/1 बराबर 2x/5, 2x/5 क्रॉस गुना करेंगे तो इससे इसको गुना करेंगे, इससे इसको गुना करेंगे, 2x में x से गुना करेंगे तो 2x हो जाएगा और 5 में 3 से गुना करेंगे तो 5 15 हो जाएगा। इसके बाद क्या हो जाएगा, इसके बाद हो जाएगा 2x बराबर हो जाएगा 15/2 यानी 7.5 हो जाएगा, तो 7.5 हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 30 किलोग्राम का 10% कितना का 40% के बराबर होगा, तो यहाँ होगा 7 केजी का 40% 40%, तो 7.5 हो जाएगा, तो 7.5 चूँकि ऑप्शन नहीं है इसलिए इसमें अब 4 इसका आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, अगला है 5 नंबर में है कि 2,350 का 36% प्लस 1,120 का 45% दोनों के जोड़ने पर 3,000 का कितना प्रतिशत हो जाएगा, शो देना है। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें वही लिखेंगे 2,350 का मतलब गुना और 36% के मतलब 100 और जोड़ करेंगे यहाँ 1,120 का मतलब गुना 45% के बदला में 100 बराबर है कितना है 3,000 का मतलब गुना और एक्स बटा कितना मतलब एक्स बटा 100 के बराबर है, परसेंट के बदले में नीचे में 100 लिखते हैं, तो इसको काटेंगे कितना हो जाएगा, जैसे एक जीरो से एक जो कट जाएगा वहाँ 235 या 10 हो गया, 5 से काटेंगे तो 5 10 हो जाएगा, 5 से काटेंगे तो 5 4 20, 5 7 35 47 हो जाएगा, इस 2 से काटेंगे 36 के तो 18 हो जाएगा, तो यहाँ बचा 47 × 18 बचा, फिर इसको करेंगे क्या हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो ही कट जाएगा, अब क्या कटेगा 5 दूना 5 दूना 5 नमा एक कट जाएगा, अब क्या है 112 है, 112 के हम 56 से काट देंगे, 56 मतलब कट गया, अब क्या होगा यहाँ 56 × 9 बचा, तो यहाँ बचा क्या 47 × 18 अजूर 56 × 9 बराबर यहाँ है कितना 3,000 गुना एक्स बटा 100 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे तो 30x बचा, यहाँ क्या बचा 30x बचा, तो इसको हम गुना करेंगे दोनों को, तो 47 × 18 से गुना करेंगे या 56 × 9 से गुना करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो 18 × 95 = 108 18 × 7 = 126 18 × 7 = 126 के 6 हाथ में 12 18 × 72 अब 12 72 + 82 83 84 ये 84 मतलब 846 ही हो गया, अब प्लस 9 से 56 की गुना करें तो 9 6 54 के 4 हाथ में 5 9 5 45 5 50 504 ही हो गया, बराबर 30x के बराबर हो गया। अब क्या करेंगे 846 में 504 को एक जगह जोड़ेंगे तो 8 5 1300 ही हो गया, 46 4 50 1350 हो गया,
1350 बराबर 30x हुआ, 30x हुआ, तो यहाँ x का मान क्या करेंगे, x बराबर क्या होगा 1350 अब बटे 30 करेंगे, ए जीरो से ए जीरो काटेंगे और 3 से काटेंगे इसको, तो 3 × 4 = 12 और 3 × 5 = 15 45, यानी x बराबर, यानी x बराबर हो जाएगा कितना, 45 हो जाएगा, x बराबर 45, तो ये आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, 6 नंबर क्वेश्चन है कि रूट एक्स जो 280 का 55% बराबर 272 का 5/8 कितना होगा, यानी इसका है रूट एक्स जोड़ 280 का मतलब गुना 55% के बदले में नीचे में 100 बराबर 272 का मतलब गुना 5/8, इसको निकालना है। तो रूट एक्स है तो रूट एक्स ही रहने देंगे, जोड़ है तो जोड़ करेंगे और इसको अब काटेंगे, तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा और इसको 1 0 से 1 इसको 5 से काटेंगे तो 5 × 2 = 10 हो जाएगा, 5 से काटेंगे तो 11 × 5 = 55 हो जाएगा, 2 से इसको काटेंगे तो 14 × 2 = 28 हो जाएगा, 14 हो गया, और इसको काटेंगे 8 से कटेगा तो 8 × 3 = 24, तो यहाँ 8 से कट जाएगा, 8 × 3 = 24, यहाँ बचा यहाँ 3 × 2 = 32, 8 × 2 = 32, 34 मरतब भी कट गया। अब क्या हुआ यहाँ, तो यहाँ 14 बच्चा था, यहाँ 11 बच्चा था, तो 11 में 14 से गुना करेंगे तो 14 × 140 आ 14 154 बराबर कितना होगा, 34 में 5 से गुना करेंगे तो 170 हो जाएगा, 34 × 5 = 170 हो गया। अब क्या करेंगे, रूट एक्स बराबर क्या करेंगे, 170 है, 154 के इधर ले आएंगे तो माइनस में जाए, प्लस वाला माइनस हो जाता है, माइनस वाला प्लस हो जाता है, तो ये प्लस में था, प्लस में था, इधर आया है, बराबर के इधर आ गया है, तो 170 में माइनस हो जाएगा, तो रूट एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 170 में से 54 चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये 16 हो जाएगा, 16 ही हो गया। तो अब एक्स बराबर निकालेंगे तो स्क्वायर, चूँकि स्क्वायर करना होगा, एक्स बनाने के लिए इसको स्क्वायर करना होगा, तो रूट एक्स का स्क्वायर बराबर यहाँ 16 का स्क्वायर करना होगा, तो रूट एक्स के स्क्वायर करेंगे तो सीधे एक्स हो जाएगा और 16 के स्क्वायर करेंगे तो 256 हो जाएगा, तो एक्स का मान कितना हो जाएगा 256, यानी व्हाट के जगह पर यहाँ 256 हो जाएगा, रूट में 256 हो जाएगा, तो यही एक्स बराबर 256 हो गया। इस तरह से फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7 नंबर में है 2420 का 14% और 111.2 जोड़ 111.2 बराबर 100 का कितना, 100 का कितना आएगा, 100 देना है हमको, तो इसमें हमको निकालना है 2420 का मतलब गुना 14 और बट्टा में परसेंट के बदले में 100 दे देंगे, जोड़ है 111.2 बराबर लिखा हुआ है 100 का कितना, अब इसमें से कौन होगा सो देखना है, 1 0 से 1 0 काट देंगे, अब 2 से काटेंगे तो 2 × 5 = 2 = 7 हो गया, अब ये तो कटेगा नहीं तो इसको क्या करेंगे, गुना करेंगे, पहले हम 7 242 में 7 से गुना करेंगे और 5 से भाग करेंगे, तो 242 में 7 से गुना करेंगे तो 7 × 2 = 14 हाथ में 1, 7 × 4 = 28 है, 29 × 9 हाथ में 2 और 7 × 2 = 14 15 16, 1694/5 ही हो गया, और जोड़ 111.2 बराबर फिर 100 का कितना होगा, सो पहले इधर निकाल लेंगे अपने वहाँ पता चल जाएगा, तो 5 से भाग करेंगे तो क्या होगा, 5 × 3 = 15 1 × 9 5 × 3 = 15 4 × 4 5 × 8 = 40 4 × 0 5 × 8 = 40 यानी 1694 5 से भाग करेंगे तो 338.8 हो जाएगा, और जोड़ 111.2 हो जाएगा,
तो 338 कितना हो जाएगा, 450 हो जाएगा पॉइंट, इसको भी एक जुड़ जाएगा तो 450 हो जाएगा। 450 बराबर 100 का कितना कह रहा है, तो 100 का कितना 450 हो जाएगा, तो 4.5 गुना, यानी 4.5 गुना, 100 का 4.5 गुना है तो 100 का 4 पूर्णांक 2 हो जाएगा, यही हो जाएगा 100 का। तब तो 100 का इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9.25 यानी 450 हो जाएगा, तो वही हो जाएगा 4.5 गुना, यानी क्वेश्चन 2 हो जाएगा, आंसर 2 हो जाएगा ऑप्शन में। इसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन है, 3% कितने प्रतिशत है 5% का, यानी कहा जा रहा है 3% कितने प्रतिशत है 5% का, यानी 5% का कितना प्रतिशत बराबर 3%। कहने का मतलब है 5% का कितना प्रतिशत बराबर 3%, सो कहा जा रहा है। तो 5% के बदले में 100 लिख रहे हैं, का मतलब गुना, कितना के बदले में x, प्रतिशत के बदले में फिर 100 बराबर फिर 3, और प्रतिशत के बदले में 100 कर देंगे। अब क्या करेंगे इसको, तो इसको हम करेंगे या तो इस 100 से इस 100 को काट सकते हैं, या बराबर से बराबर कटता है तो हम 100 से 100 को काट देंगे, इस नीचे से नीचे कटता है, ऊपर से ऊपर कटता है। अब बचा क्या, और इसको काट सकते, 5 से हम काट देंगे, 5 20 25 100। अब यहाँ बचा ऊपर 1 नीचे 20, तो 1/20 हुआ, और यहाँ बचा कितना 3 3/1 कर देंगे। अब क्रॉस गुना करेंगे, 1 में 1 से गुना करेंगे, 20 में 3 से गुना करेंगे, तो 1 × 1 अब 20 23 60, यानी कितना प्रतिशत, 60% इसका आंसर हो जाएगा, यानी ए में 1 नंबर आंसर हो जाएगा। 3% कितने प्रतिशत का 5% है, तो 60% होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, यदि ए का 8%, बी का 4% हो, तो ए का 20%, बी का कितना प्रतिशत होगा। तो ये स्पष्ट है यहाँ, ए का 8% बी का 4% आधा हो रहा है, 1 का 8% बी का 4%, तो 1 का 20% बी का 10% हो जाएगा, यानी इसका आधा हो जाएगा। 1 का 8% बी का 4%, तो 1 का यानी यहाँ आधा हो गया है, आधा हो गया, यानी 1 का 8% बराबर बी का 4%, यानी 1 का आधा हो गया है, बी हो गया है, तो यहाँ भी आधा कर देंगे। 1 का 20% तो बी का कितना हो जाएगा, बी का 10% के बराबर हो जाएगा, बस सीधी सी बात है। फिर अगला क्वेश्चन है, अगला है, यदि एक्स का 40% का 40% 40 हो, तो एक्स का मान क्या होगा, यानी यहाँ है एक्स का मतलब गुना 40%, 40/100 का मतलब फिर गुना, फिर 40%, यानी 40/100 बराबर 40 हो, तो x बराबर कितना होगा, सुनिए, यहाँ ई एक्स बराबर निकालना है, तो हम क्या करेंगे, x गुना, फिर क्या करेंगे, काटेंगे, पहले इसको काट देंगे, 1 0 से 1 0 काट देंगे, और हम इसको काट सकते हैं, क्या काट सकते हैं, इस 4 से काट सकते हैं, 4 × 40 10 मतलब ऊपर से ऊपर कटता है, नीचे से नीचे कटता है, बराबर में 10 हो गया। अब यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा ऊपर में बचा क्या 4 1 × 4, और नीचे में बचा 10 × 10 यानी 100 बराबर, यहाँ बचा कितना 10/1, तो इसको 4x हो गया, 4x/100 बराबर 10/1,
तो इसको क्या करेंगे हम क्रॉस गुना करेंगे, तो चार एक्स में एक से गुना करेंगे तो यहाँ चार एक्स में एक से गुना करेंगे तो चार एक्स ही होगा, और सौ में दस से गुना करेंगे तो एक हज़ार हो जाएगा। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एक हज़ार बटे चार, तो चार से भाग करेंगे तो एक हज़ार में तो 250 हो जाएगा। तो यहीं 250 इसका आंसर हो जाएगा 250। फिर अगला क्वेश्चन है, यदि x का 90% y का 30% है तथा y बराबर x का p प्रतिशत है तो p का मान निकाले। यानी कहा जा रहा है x का मतलब गुना 90% के बदले में 100 बराबर y का मतलब गुना 30/100 तथा फिर कहा जा रहा है, फिर कहा जा रहा है y बराबर x का p प्रतिशत, तो p का मान निकालना है। तो इसमें सिर्फ पहले यहाँ से यहाँ काट दें, नीचे का 100 से नीचे का 100 काट दें क्योंकि बराबर से बराबर कटता है, और 30 से इसको काटेंगे, 30 TI 90। तो यहाँ बचा क्या, 3x यहाँ बचा और बराबर में यहाँ y बचा, 3x बराबर y बचा। तो 3x बराबर y बचा और यहाँ फिर कहा जाता है y बराबर जो है x का p प्रतिशत है, y बराबर x का p प्रतिशत है। तो इसको हम यहाँ है y बराबर जो y की जो है ये y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर है x का p प्रतिशत, यानी y की जगह पर हम लिख सकते हैं x का मतलब गुना p बट्टा 100, y की जगह पर ये है, यानी y बराबर हो जाएगा एक्स पी बटा 100, यानी y की जगह पर हम लिख सकते हैं एक्स पी बटा 100। तो यानी लिख सकते हैं 3x बराबर y की जगह पर एक्स पी बटा 100, एक्स पी बटा 100। अब x इधर भी x इधर, तो x x से काट देंगे तो क्रॉस गुना करेंगे तो क्या होगा, p में x से करेंगे तो p हो जाएगा, और 3 में 100 से गुना करेगा 300, तो p बराबर 300 हो जाएगा। यहाँ y का मान यहाँ पर इस जगह पर धर दिए हैं। इस तरह से फिर अगला क्वेश्चन है, अगर a का x प्रतिशत b के y प्रतिशत के बराबर हो तो b का z प्रतिशत कितना होगा, तो b का z प्रतिशत कितना होगा। तो इसमें करना है हमको क्या है, a का x प्रतिशत यानी a का मतलब गुना x बटा 100 बराबर जो है b गुना y बटा 100 के बराबर है। तो इसमें क्या हो जाएगा, a है, यहाँ a है, a का x बटा 100 बराबर b का y बटा 100। यहाँ लिख सकते हैं, यानी 100 से 100 काट देंगे तो बचा कितना, यहाँ बचा कितना ax बराबर by। तो हम b बराबर यहाँ से निकालेंगे, b के जगह पर क्या लिखेंगे, b बराबर लिखेंगे ax बटा y, b के जगह पर हम ax बटा y लिखेंगे, यहाँ से b बराबर ax बटा में y आ जाएगा। अब इस b को हम यहाँ रखेंगे, कह रहा है b का z प्रतिशत कितना होगा, तो b के जगह पर हम क्या लिखेंगे ax बटा y, तो एक्स वाई बटा ax था, b बराबर ax था, यहाँ ax x बटा वाई होगा b के जगह पर, यहाँ x बटा वाई, तो यहाँ b के जगह पर लिख देंगे ax बटा वाई बराबर z प्रतिशत, z बटा 100 लिख देंगे यहाँ, तो जो 100 नहीं, यहाँ चूँकि ऑप्शन में प्रतिशत ही है तो z प्रतिशत ही रहने देंगे। तो क्या लिखेंगे यहाँ, यहाँ हम लिख सकते हैं क्रॉस गुना करके ax बराबर yz प्रतिशत, x बराबर yz प्रतिशत। तो क्या लिख सकते हैं,
उसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, वाई जेड है, वाई जेड यहाँ है, चूँकि ए ई एक्स नीचे चला जाएगा, यही ना होगा। इसको हम लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं क्या चीज़, ए बराबर लिख सकते हैं हम वाई जेड बट्टा एक्स प्रतिशत लिख सकते हैं, वाई जेड बराबर एक्स प्रतिशत लिख सकते हैं, यानी इसको क्या लिखाएगा, ये वाई जेड बट्टा एक्स प्रतिशत। तो इसको हम लिख सकते हैं ए एक्स, इसको हम वाई बराबर क्या लिख सकते हैं, वाई बराबर इसको लिख सकते हैं, जैसे यहाँ है, यहाँ रहेगा एक्स तो रहेगा ही, एक्स बराबर वाई जेड प्रतिशत है। इस वाई बराबर क्या लिख सकते हैं, वाई बराबर लिख सकते हैं हम ए एक्स बट्टा जेड प्रतिशत लिख सकते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए एक्स बट्टा जेड, यानी इसको लिखा जा सकता है ए का एक्स जेड प्रतिशत बट्टा वाई, इसको लिख सकते हैं ए एक्स बराबर वाई जेड, फिर वही चीज़ हो गया, यानी ए का एक्स प्रतिशत, ए का एक्स, ए गुना एक्स बराबर वाई जेड प्रतिशत, वाई जेड बटा एक्स इसको लिखा जा सकता है। इसको ऑप्शन नंबर ए लिख सकते हैं, जैसे कि